सेकेंड और थर्ड मार्च को एक इन्फॉर्मेशन आई थी रावतपुरा में कि अब्दुल रहमान राठौर साहब हैं, उनके यहाँ से कुछ कैश और गोल्ड चोरी हुआ था। तो उसके बेसिस पे हमने एक FIA नंबर 8/2023 अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ IPC रजिस्टर करी। तो क्योंकि ये पहली चोरी नहीं थी, इससे पहले भी कुछ चोरियों की इन्फॉर्मेशन आई थी, तो हमारे SSP सर ने, श्री राकेश बलवाल सर ने, क्लोज सुपरविजन में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, तो जो सिटी में जो बहुत सारी चोरियाँ हो रही थी उनको सॉल्व करने के लिए। तो उसके बेसिस पर हमने काम करना स्टार्ट किया। तो हमने CCTV कई सारे देखे, ह्यूमन इन्फॉर्मेशन से भी हमें कुछ पता लगा, टेक्निकल से भी पता लगा। तो हमें पता लगा कि इस जो चोरियाँ हुई हैं, मतलब और जो हमारे यहाँ पर्टिकुलर चोरी हुई है, उस पर कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जो इन चोरियों को अंजाम दे रहा है यहाँ पर। तो उसके बेसिस पर हमने इनिशियली चार थीव्स को आइडेंटिफाई किया, और ये जो चार थीव्स हैं उनको हमने अलग अलग जगह से पकड़ा। जैसे इसमें एक थीव्स है कयूम गुरु, दूसरा है नज़ाकत अहमद खान, इनको हमने नैना बटपुरा पुलवामा से पकड़ा। जबकि इनके जो साथ इन्वॉल्व थे, जो कयूम के दूसरे भाई थे जो भी चोरी में इन्वॉल्व हैं, ये तस्लीम आरिफ गुरु और शरीफुद्दीन गुरु, ये सारे गुंड रफ्तार के रहने वाले हैं, इनको हमने अमीनो कुलगाम से पकड़ा। जब हमने इनको पकड़ा तो इनके पास से हमें कुछ गोल्ड और कुछ कैश रिकवर हुआ, और जो इन्होंने व्हीकल्स यूज़ किए थे वो भी हमें रिकवर हुए, उन्होंने खुद ही बताया। फिर इसके बेसिस पर हमने पूछा कि अच्छा आप चोरी कर रहे हो तो बेच कहाँ रहे हो, तो इनके बेसिस पर कुछ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी भी हमें पता लगी। तो खासकर ये जो बेचते हैं, ये खासकर कुछ जो सुनार हैं आपके पर्टिकुलर फैमिली में ही बेचते हैं। जैसे इसमें एक मकबूल अरवे सुल्तानपुरा पट्टन का रहने वाला है, समीर हुसैन डारे ये भी सुल्तानपुरा पट्टन का रहने वाला है, आसिफ हुसैन डारे ये भी सुल्तानपुरा पट्टन का रहने वाला है। जबकि इन्हीं ने अपने गांव में, जैसे एक अब्दुल राशिद गुरु है, ये गुंड रफ्तार गंदरवल का रहने वाला है, ये इन्हीं के गांव का रहने वाला है, और इसके दो भाई आसिफ अहमद गुरु और ये हुसैन, ये तीनों भाई हैं, ये सारा स्टोलन प्रॉपर्टी के रिसीवर हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमने आगे बढ़ते हुए सबको बुलाया, और हमें टोटल 168 ग्राम गोल्ड, 70,000 रुपी इनसे रिकवर हुआ। और उन्होंने बताया कि इन्होंने जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की हैं उसमें एक बलेनो कार है, एक ऑल्टो है और एक पल्सर बाइक है। तो हमें अभी तक इनसे रिकवरी हुआ है। हमने फर्दर इनसे इन्वेस्टिगेशन से पूछा तो ये काफ़ी प्रोफेशनल गैंग के मेम्बर्स थे। तो अगर आप जाएँ तो इनकी इनके अगेंस्ट जो FIR रजिस्टर है वो त्राल में भी रजिस्टर है, मीर बाजार में भी इनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर है, काजीगुंड में भी इनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर है, PS राजपुरा में भी इनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर है, PS खानिया श्रीनगर में भी इनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर है, और PS कंगन में भी इनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर है। जो हमारे यहाँ से चोरी हुआ था वो कुछ 72 ग्राम्स गोल्ड चोरी हुआ था राठौर साहब के यहाँ से। तो हमें जो एडिशनल गोल्ड रिकवर हुआ है, इन्होंने अलग अलग जगह पर वारदात की है, तो हम देख रहे हैं। और हमने दूसरों को भी बताया कि क्योंकि ये प्रोफेशनल चोर है, हर जगह हुआ है, तो अब देखते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है क्या क्या निकल के आता है। खासकर जो इस हमें इनकी जब हमने इनसे क्वेश्चनिंग की, तो हमें कुछ कुछ मोटा मोटा पॉइंट का पता लगा। तो बेसिकली हमने इनसे पूछा कि आपकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। तो ये क्या करते हैं कि ये रेकी करते हैं आपका पूरा दिन में, तो कभी ऑटो वाला बन के जाते हैं, कभी स्क्रैप वाला बन के जाते हैं, कई कई जगह पे टेनेंट की तरह भी ये रहे हैं जहाँ इन्होंने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। तो ये क्या देखते हैं कि किसी घर, जो घर दिन में बंद है, सबसे पहला तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये उसको आइडेंटिफाइड अपना टारगेट हाउस बना लेते हैं। दूसरा क्या रहता है, जब रात में ये कहीं जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो आपकी विंडो है उसमें कर्टेन है कि नहीं। अगर जो घर जिसमें कर्टेन नहीं है उसमें ये देख सकते हैं टॉर्च मार के कि यहाँ पर कोई रह रहा है कि नहीं। तो ये दूसरा एक इनका टारगेट सिलेक्शन का तरीका है। तीसरा क्या है कि ये सबसे पहले देखते हैं कि किस घर में CCTV अवेलेबल है कि नहीं। जिन घरों में हमने देखा कि जिन घरों में CCTV अवेलेबल नहीं है, या जिस एरिया में जहाँ एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट पर CCTV अवेलेबल नहीं है, खासकर उस गली में इनका टारगेट हाउस ईजिली ये बनाते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि आपका स्क्रैप डीलर बन के भी कई कई जाते हैं, आपका टेनेंट बन के भी रहते हैं। तो मेरी पब्लिक से आपके थ्रू अपील है कि एक तो हमें CCTV पर काम करना है, थोड़ा CCTV जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो एरिया ज़्यादा सुरक्षित रहे। इन्होंने बोला कि जहाँ जहाँ वो गए हैं, जहाँ CCTV लगाए, तो वहाँ उनकी हिम्मत नहीं हुई चोरी करने की, वहाँ से वापस लौटे। दूसरा, जहाँ ये टेनेंट बन के रहे थे कुछ जगह, इनके जो रेकी करने वाले थे, जो इनके अकम्प्लिस हैं, उनका वेरिफिकेशन बड़ा ज़रूरी है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से टेनेंट वेरिफिकेशन पर काफ़ी जो है पब्लिक से एक रिक्वेस्ट की जाती है कि जब भी आप अपने यहाँ कोई नया टेनेंट रखें तो उसका वेरिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन नज़दीकी थाने में ज़रूर दें। बाकी जैसे मैंने इनका मॉडस ऑपरेंडी बताया, तो इसको भी पब्लिक को गौर करने की ज़रूरत है, इससे हम चोर से बचा जा सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, देखते हैं जैसे इन्फॉर्मेशन कुछ आएगी हम लोग आपको बताएंगे।
अभी तक। और उसी केस के रिलेटेड हमने इनको आइडेंटिफाई किया है, उसी केस में इनको हमने अरेस्ट किया था, उसी से ही हमें आगे प्रोसेस स्टार्ट हुई है, उसी से हमें आगे रिकवरी उस पर हम लगे हुए हैं। जैसे हमने इस केस को सॉल्व किया, ऐसे ही हम उस केस को भी जल्दी सॉल्व करेंगे। हम उस पर लगे हुए हैं। एक जैसी जो टीम है हमारी, एक स्पेशल टीम जो SSP सर की क्लोज डायरेक्शन में काम कर रही है, जल्दी ही हम उस केस को सॉल्व कर देंगे। इन जो इस केसेस से हमने टोटल थीफ्स और रिसीवर ऑफ स्टूडेंट प्रॉपर्टी मिला के 11 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो मॉडस ऑपरेंडी है, क्योंकि विंटर का टाइम था पिछले कुछ दिनों, लोग भी यहाँ नहीं थे। दूसरा, इनका जो टारगेट आइडेंटिफिकेशन का है वो मैंने आपको बताया किस हिसाब से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो अगर हम इस पर काम करेंगे तो होपफुली जो चोरी की वारदात है वो काफ़ी कम से कम होंगी और पुलिस भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लू हमें मिलेगा एंड वी विल एबल टू अरेस्ट मोर नंबर ऑफ सच अक्यूज्ड। सर, हमने हाल ही में देखा था अपने कुछ चोरों को, पुलिस ने कुछ चोरों को ड्रग्स में, इनमें से कोई ड्रग एडिक्ट्स नहीं? इनमें से कोई ड्रग एडिक्ट्स नहीं। थैंक यू।